हमारा ट्रिप कैसा था? हमारा ट्रिप अच्छा था। नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्वर्ण सिटी जैसलमेर की। जैसलमेर के रोड तो खूबसूरत हैं ही, पर जब सैंड ड्यून्स का नाम आता है ना, तो जैसलमेर की एक अलग ही छवि उभर कर आती है। तो बात करते हैं ना जैसलमेर की रोड की, ना जैसलमेर की जनसंख्या की, ना जैसलमेर के क्षेत्रफल की। बात करेंगे तो जैसलमेर के सैंड ड्यून्स की। और जब बात सैंड ड्यून्स की होगी तो हम कैसे भूल सकते हैं सैंड ड्यून्स में बसे टेंट सिटी को। जब उगते हुए सूरज की पहली किरण टेंट सिटी पर पड़ती है तो वो वाइट टेंट सिटी गोल्डन कलर में नजर आती है। जैसे आप सैंड ड्यून्स में पहुंचेंगे और आपको टेंट सिटी दिखेंगी, तो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टेंट सिटी वहाँ बनी हुई है। मैं जिस टेंट सिटी में ठहरा था उसका नाम है रॉयल टेंट सिटी सैंड ड्यून्स। जहाँ तक कि उसके चार्जेस, उसकी रेंट की बात आती है, तो चार्जेस और रेंट मैं आपको फैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि हर सीजन में ये चार्जेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। और अगर मैं आपको इसके चार्जेस के बारे में फैक्ट्स बता दूं, तो आप ही बोलेंगे मुझे कि इसका चार्जेस ये था और अब इसका चार्जेस ये है। ये कॉन्ट्रोवर्सी मैं नहीं चाहता, इसीलिए हर सीजन में हर समय इसके चार्जेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं टेंट का इंटीरियर, कैसा दिखता है ये टेंट अंदर से। 3 स्टेप चढ़ने के बाद हम टेंट के अंदर इंटर करने वाले हैं। टेंट के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। अंदर घुसते ही ट्रांसपेरेंट विंडोज़ की वजह से आप बाहर के नज़ारे को इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं टेंट के अंदर की ओर। तो अंदर आते ही कुछ ऐसा फील होता है कि हम 3-स्टार होटल के अंदर आ गए हैं। टेंट के अंदर एक सिंगल बेड, एक डबल बेड लगा हुआ है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप 4 जने आराम से इस टेंट में स्टे कर सकते हैं। टेंट अंदर से बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। टेंट के अंदर आपको टेबल की व्यवस्था और एक पंखे की व्यवस्था भी मिल जाएगी। अब टेंट का इंटीरियर तो आपने देख ही लिया, अब चलते हैं सीधे बाथरूम की तरफ। तो जैसे ही आप बाथरूम के अंदर इंटर करते हैं तो कितना नीट एंड क्लीन बाथरूम है, जिसमें एक सिंक कांच भी लगा हुआ है। जब मैं अपने टेंट से बाहर निकला तो कुछ इस तरह से बच्चों का स्वागत हो रहा था जो स्कूलिंग टूर के लिए आए थे। मेरा भी इसी तरह से स्वागत हुआ। दिन के समय तो ये टेंट सिटी खूबसूरत लगती है, पर रात को इस टेंट सिटी में लाइट्स लगने के बाद इसमें 4 चांद लग जाते हैं। रात में टेंट के बाहर का और अंदर का नज़ारा इस तरीके का है। एक व्लॉगर की लाइफ और उसकी वाइफ का अंदाज कुछ अलग से ही होता है। तो बात करते हैं टेंट के बाहर नाइट व्यू की। बाहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है, नाइट लैंप्स के साथ फुटपाथ बना हुआ, स्विमिंग पूल के चारों तरफ टेंट सिटी को आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से देख सकेंगे, और साथ में स्विमिंग पूल और उसके फुटपाथ पर बने लैंप पर नज़र जब जाती है तो टेंट पर, तो बहुत ही खूबसूरत और अलग अंदाज में लगता है। तो क्या हम राजस्थान के कल्चरल डांस को भी देख लें? तुम्हारो प्यारो राजेश का पधारो। Thank you.
होप अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा मनोबल इस सर्दी में और ज़्यादा बढ़ता रहे। बात करते हैं हम भंवरी डांस की। सुबह की 5 बजे हैं और सुबह के 5 बजे का नजारा देखकर एक ही मन में ख्याल आया कि काश हाथ में एक गरम चाय की प्याली होती। इस टेंट सिटी में कार पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जहां पर आपकी गाड़ियां परफेक्टली पार्किंग हो सकती है। सुबह की पहली किरण के साथ यहां पर कुछ एक्टिविटीज भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग और साथ में कैमल राइडिंग। इसके साथ में यहां पर डेजर्ट बाइक भी मिल जाएगी और यहां पर जीप राइडिंग का भी एक ऑप्शन है, जिसको बहुत सारे टूरिस्ट आकर एंजॉय करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।